अगर देखा जाए कि इस जीवन में या इस शरीर में मुख्य महत्व है ही हार्ट का। हमारी हिंदी भाषा में कहते हैं, दिल है तो जहान है, और दिल भी कैसी होनी है, बहुत आराम में। अब दिल में सदा आराम रहे, कोई भी परेशानी नहीं रहे, टेंशन नहीं रहे, आराम ही आराम रहे, तो वो आराम हमको स्थूल साधनों से तो थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन सदा काल का दिल का आराम जो अविनाशी हम सबका बहुत प्यारे ते प्यारा परमात्मा पिता है, उसी द्वारा ही मिल सकता है। जैसे आत्मा अविनाशी है तो उनका पिता भी अविनाशी परम पिता परमात्मा है, और उस अविनाशी पिता द्वारा ही हमको दिल में सदा का आराम मिल सकता है। क्यों? अविनाशी ही अविनाशी प्राप्ति करा सकता है। जो साधनों द्वारा आराम मिलता है वो साधन ही स्वयं विनाशी है, तो विनाशी साधन कभी अविनाशी आराम नहीं दे सकते। अविनाशी आराम अर्थात टेंशन फ्री हार्ट, सदा संतुष्ट हो, सदा खुश हो, उसके लिए परमात्मा द्वारा हमें प्यार की शक्ति प्राप्त होती है। और आपने देखा होगा कि जब भी किसको प्यार की गिफ्ट देते हैं तो हमने देखा है बहुत करके डबल विदेशी भाई बहने अपने प्यार की गिफ्ट हार्ट ही देते हैं। तो हार्ट में सदा आराम रहे उसकी विशेष शक्ति है दिल में निस्वार्थ प्यार। प्यार एक ऐसा सैल्यूएशन है जो सर्व को अपना बना लेते हैं। जब प्यारी आत्मा किसे भी मिलेंगी, किसको भी देखेंगी और निस्वार्थ प्यार आत्मा से मिलेगा, तो स्वतः ही दूसरी आत्मा द्वारा दिल की दुआएं मिलती, और दुआएं मिलने से जैसे बहुत कोई कीमती चीज मिलती है
और बिना मेहनत के मिले कितनी खुशी होंगी। तो जब हम निस्वार्थ प्यार अर्थात परमात्म प्यार अपने दिल में धारण करते हैं और दूसरे को देते हैं, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती है, ब्लेसिंग मिलती है, वो बहुत कीमती चीज होती है। दुआएं आपको बहुत सहज मेहनत के बिना जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बनती। हमें परमात्मा शिव के महावाक्य है, तो बच्चे सदा एक दो को निस्वार्थ भावना से दुआएं दो और दुआएं लो।